और बॉयकॉट वालों, सुनने में आ रहा है जल भून के राख हो रहे हो तुम लोग, अभी भी कुछ बाकी रह गया है क्या? चलिए यार वीडियो शुरू कर। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी कोई नई वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों फाइनली बॉलीवुड की मच हाइप्ड मूवी और मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र आज से 2-3 दिनों में रिलीज होने जा रही है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आज से तकरीबन 3 दिन पहले इस मूवी की एडवांस बुकिंग को भी ओपन कर दिया गया था। और भाई साहब, ये मूवी क्या बुकिंग कर रही है, अब क्या कर रही है, उसी के बारे में इस वीडियो में बताने आया हूँ। लेकिन भाई साहब, जैसी भी बुकिंग कर रही है, एकदम कमाल की बुकिंग कर रही है। और इन बुकिंग्स में पीवीआर की तो चांदी ही चांदी हुई पड़ी है, इसलिए अभी कह रहा हूँ पीवीआर का शेयर लेके रख लो, फायदे में रहोगे। ये मैंने मूवीज में स्टॉक मार्केट कहाँ से घुसा दिया। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी की एडवांस बुकिंग की, तो भाई साहब इस मूवी ने अब तक 1.5 लाख के करीब टिकटों को बेच दिया है। और भाई साहब 1 लाख तो सिर्फ पीवीआर में ही बिकी हैं। और दोस्तों ऐसी एडवांस बुकिंग को देख के पता चलता है कि लोगों ने मन बना लिया है कि हमने इस मूवी को थिएटर में देखना है तो देखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और छोटे मोटे पर्दे पे भी नहीं, एकदम ग्रैंड पर्दे पर, क्योंकि दोस्तों लोगों को जो बॉलीवुड से चाहिए था, बॉलीवुड वो ब्रह्मास्त्र के माध्यम से ऑडियंस को दे रहा है। अब भाई साहब किस क्वालिटी का देगा वो तो 9 तारीख को ही पता चलेगा। और दोस्तों अगर हम बड़े बड़े क्रिटिक्स और ट्रेड एनालिस्ट की माने तो उनका कहना ये है कि ये मूवी 20 से 25 करोड़ तक की ओपनिंग कर सकती है। और फर्स्ट वीकेंड पर ये मूवी 70 से 75 करोड़ तक की अर्निंग कर सकती है, अगर इस मूवी के जो रिव्यूज हैं वो पॉजिटिव रहे। लेकिन दोस्तों डर तो सिर्फ एक ही बात का बना हुआ है कि ये बॉलीवुड है, अपनी फितरत दिखाए बिना नहीं छोड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मैं हर सिटी के हर थिएटर की बुकिंग्स को देख रहा हूँ, और उन बुकिंग्स के आधार पर मुझे यही पता चल रहा है कि लोग पहले दिन की बुकिंग तो बहुत बढ़िया रूप से करा रहे हैं। भाई साहब पहले दिन की सीटें तो फुल हुई पड़ी है, लेकिन आगे की डेज की सीटें एकदम खाली पड़ी हैं। दैट मीन्स लोग भी ये देख रहे हैं कि लोग जो पहले दिन मूवी देखने जाएंगे उनके रिव्यूज़ के आधार पर ही लोग आगे की डेज की बुकिंग करेंगे। इसका मतलब तो यही निकलता है कि ब्रह्मास्त्र अपने पहले दिन पर एग्जाम लिखेगी और day 2 day 3 से रिजल्ट आउट होने शुरू हो जाएंगे। अब ब्रह्मास्त्र इन में फेल होती है पास, ये तो 9 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों इस मूवी की जिस तरीके से एडवांस बुकिंग चल रही है ना, उसको देख के तो यही पता चलता है ये मूवी पास नहीं होगी, फर्स्ट डिवीजन से पास होगी। क्योंकि भाई साहब इन्होंने जो 1.5 लाख के करीब टिकटें बेची हैं, सिर्फ 4 मल्टीप्लेक्स चेन्स की डेटा की बात कर रहा हूँ मैं, पीवीआर, सिनेपोलिस और 1-2 और हैं, अभी तो मिराज विराज जुड़ना बाकी है। तो भाई साहब अगर ये सारी चीज़ें जुड़ गई तो कितनी टिकटें बेच देंगे ये लोग। और दोस्तों इन टिकटों में इन्होंने अब तक 10 करोड़ की अप्रॉक्स ग्रॉस अर्निंग कर ली है। और दोस्तों किसी भी मूवी के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होती है स्पॉट बुकिंग। और दोस्तों मुझे लग रहा है कि भाई साहब ये मूवी इतनी बढ़िया स्पॉट बुकिंग करेगी ना कि इस मूवी की ओपनिंग 20-25 तो ना सही, लेकिन 15 से ऊपर होगी होगी, बाकी तो भगवान ही जानते हैं। और दोस्तों मैं ये भी नहीं कह रहा कि बॉलीवुड में इससे पहले कभी मास लेवल इतने ग्रैंड लेवल की मूवी बनी नहीं, बन रखी है, जैसे रावण हो गई, उसका भी VFX इतना ज़बरदस्त था लेकिन चली नहीं। अब दोस्तों इस मूवी के चलने के चांसेस क्यों हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से इतने बड़े मास कॉन्सेप्ट को एक तरीके से एक रिलीजन के साथ जोड़ के एक शक्तियों को जिस हिसाब से प्रेजेंट करा है ना, इन्होंने जिस तरीके से अस्तरावर्स क्रिएट करा है, भाई साहब ये देख के एकदम कैची लग रहा है। लेकिन दोस्तों फ़र्क तो सिर्फ वहाँ आ जाएगा, अगर इस मूवी की स्टोरी कैची ना हुई, लोगों को एंगेज ना कर पाई, एकदम सिंपल सी स्टोरी हो, लोग थिएटर में बैठे बैठे प्रिडिक्शन लगा रहे हो अब तो ये होने वाला है, अब तो ये होने वाला है, तो भाई साहब इस मूवी का चलना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इनको इस मूवी के अंदर भाई साहब एकदम सस्पेंस थ्रिल वाली चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी जिसको देख के एकदम मजा आ जाए। बाकी ये मूवी अपने VFX और विजुअल्स पे ही चल जाए फिर मैं नहीं कह सकता कुछ। तो दोस्तों ओवरऑल टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आलिया और रणबीर की फैन फॉलोइंग इतनी है कि वही इस मूवी को चला देंगे। लेकिन जब से मैंने रणबीर कपूर की मूवी शमशेरा का बुरा हाल देखा है तब से मैं चिंतित हूँ, लेकिन वो तो भगवान ही जानते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा प्री रिलीज बॉक्स ऑफिस एनालिसिस इस ब्रह्मास्त्र मूवी का, एंड आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ज्ञान पेलो वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई बढ़िया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, बाय।